रब मुझको बुलाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर शहबाज नेटवर्क सब्सक्राइब करें। जलवा सभी खुसूसियत के साथ शहजादे हज़रत मौलाना हामिद अहमद साहब जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अलाक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना محمدن الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابود خورشید و ماہی چراغِ چشتیاں را روشنائی نبی کریم کے حضور حجِ درود باوزِ ولن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلاتم و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آج بھی جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت محترم آج جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کوئی بند آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہے، بہت سو چکے ہم، اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ورنہ صرف آپ نہیں پوری قوم سلا دی جائے گی۔ اور علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا ہے، تم نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی ہونا ہوگی داستانوں میں۔ تو وہ دن دور نہیں، عنقریب آنے والا ہے اگر آپ نے اپنی روش نہیں بدلی، اگر آپ نے اپنے اخلاق و کردار کو بہتر نہیں کیا، اپنے اعمال کو اگر آپ نے بہتر نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں جو حالت چیچینیا، فلسطین، عراق، افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کیونکہ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ علماء تو بہت دور کی چیز ہیں، شیوخ تو بہت دور کی چیز ہیں۔ آج نہ ہم اپنے والدین کی عظمت کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کو سمجھتے ہیں، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہم جانتے ہیں، نہ پڑوس کے حقوق ہم پہچانتے ہیں، نہ ماؤں کا احترام ہم کرتے ہیں، نہ بہنوں کی عزتیں آج ہم سے محفوظ ہیں۔ حالت اس قدر ہم نے بگاڑ لیا ہے، آج اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے سگے رشتے میں کوئی ہماری بہن ہے تو اس کی عزت ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہم اس قدر گر چکے ہیں۔ اور آج یہ چند لوگوں کی کہانی اور داستان نہیں ہے بلکہ پورے قوم کی حالت ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ اس دور کے جو پیر ہیں ان سے ان
बात मैं ढुक ढके और छुपे तौर पर नहीं कहता, बबागे दोहा ऐलान करता हूँ, क्योंकि आपने समाज में ऐसे बदअमल पीरों को पाल रखा है जिनकी नजर आपके अमलों के किरदार पर नहीं होती है, आपके जेबों में होती है, और आपके खानदान आपके घर की बेटियों की होती है। मुसलमानों, अगर इस समाज को सुधारना चाहते हो तो अपने दरमियान से ऐसे वलमा को, ऐसे पीरों को अपने बूटों की नोक पे मार दो। न कल ऐसे पीरों की कोई जरूरत थी, न आज है, न कभी रहेगी। इसलिए कि जब पीर बदअमल होगा, पीर जब बदबद किरदार होगा, ये वलमा जब बदअमल होंगे, तो जाहिर सी बात है ये अवाम भी बदअमल ही होगी। क्योंकि पीर जो होता है वो बिजनेसमैन नहीं होता है, वो हिदायत का जरिया होता है, और जो हिदायत के लायक ही ना हो पैदाइशों को अपना पीर क्यों बनाए। आज लोग नाम के पीछे भागते हैं, अरे नाम से पहले उसका किरदार देखते हैं। यजीद भी मामूली खानदान का नहीं था, हजरत अमीर मुआविया का बेटा है, जो सहाबिये रसूल है उनका बेटा है यजीद। लेकिन जब अमल की बात आई तो रसूलुल्लाह का नवासा 72 दफन से कुदसिया के साथ यजीद के मुकाबले में मैदान कर्बला में उतर आया। खानदान नहीं देखा जाता है पीरी मुरीदी में, बल्कि अमल और किरदार देखा जाता है। और हम जिस इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, उन्होंने पीर के लिए चार शरायत बयान की। उसमें नसब का कहीं तस्करा नहीं है, उसमें खानदान का कहीं तस्करा नहीं है। आज लोग नसब दिखा करके लोगों को गुमराह करते हैं। नसब लायक ताजीर तो है, उसकी इज्जत तो की जाएगी, उसका आदर तो किया जाएगा, लेकिन जो मेरे इमाम ने चार शर्तें बताई हैं पीर होने के लिए, अगर नहीं पाई जाती तो उसे हम अपना पीर नहीं बना सकते। मुसलमानों, आप मार्केट में जूता खरीदने के लिए जाते हो तो ब्रांड देखते हो किस कंपनी का है, एक शर्ट लेने के लिए जाते हो तो देखते हो किस मील का कपड़ा है, उसका ब्रांड क्या है। पीर को इतना सस्ता समझ लिया है आपने, चाहे जिस ब्रांड का हो चलेगा, कोई ब्रांड हो ना हो उसका आलिम होना जरूरी है, उसका परहेजगार होना जरूरी है, उसके दुरुस्त होने चाहिए। और अगर ये बातें किसी पीर के अंदर ना पाई जाए तो किसी भी खानदान का हो, गौसे आजम का बेटा भी हो तो पीर नहीं बनाया जाएगा, गरीब नवाज का बेटा हो तो पीर नहीं बनाया जाएगा। अरे इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अल-मुर्तज़ा का बेटा हो तब भी पीर नहीं बनाया जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, उतोला की जमीन पर जो सबसे बड़ा काजी होगा उससे जाके फतवा ले लेना, और मेरे बताने के हिसाब से अगर उसका फतवा बरक्स हो, उल्टा हो, तो ऐसे ही स्टेज पर मैं आकर के तौबा करने के लिए तैयार हूं। कि कोई आलिम ना हो, कोई बामल ना हो, और किसी खानदान का हो, किसी बड़े बाप का बेटा हो, उसे हम अपना पीर बना ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी के मानने वाले हैं, और मेरे इमाम ने चार शर्तें बताई हैं, एक शर्त भी कम हो जाए तो पीर बनाने के काबिल नहीं है। और इन चार शर्तों में नसब का कोई तस्करा नहीं है, खानदान का कोई तस्करा नहीं है। आपने नहीं कहीं नहीं लिखा है खानवादे माहरा का हो जाहिल हो पीर बना लो, ये नहीं लिखा है खानवादे मसौली का हो जाहिल हो पीर बना लो, खानवादे बिलग्राम का हो जाहिल हो बदअमल हो पीर बना लो, खानवादे बिलहरी का हो जाहिल हो
भी कहीं नहीं लिखा है मेरा बेटा हो जाहिल हो बदअमल हो उसे पीर बना ले। लिहाजा जो पीर होगा उसका आलिम होना जरूरी है, उसका बामल होना जरूरी है, उसका परहेजगार होना जरूरी है, उसका अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि हमें अपने अंदर सुधार लानी है। आपने गुजरात देख ही लिया है, बाकी दूसरे मुल्कों के क्या हालात है वो भी देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो दूसरा गुजरात ना हो तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद कर दो, माएं रूठी हो तो उन्हें मना लो, वालदैन राजी ना हो तो उनके कदमों में गिर कर उनसे माफी मांग लो। वीर साहब को बहुत मना लिया, 10,000 नजराना देकर, 20,000 नजराना देकर, मुसलमानों तेरा पीर तुझसे राजी भी हो जाए और तेरी माँ तुझसे राजी ना। अरे जिसे अदा करके हम अल्लाह के घर काबे में नहीं जा सकते, वो अदा ना करके हम जन्नत पे कैसे जा सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बनाए। ये दौर बड़ा बदतरीन दौर है, दौरे हाजिर में अगर कोई एक जलसा करे उससे पाक की महफिल मुनक्किद करे तो जाहिर सी बात है उसने मामूली काम नहीं किया है, मुजाहिदाना काम किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन आज मामला तो ये है कि हम अपने इमामों को नहीं छोड़ते, हम अपने पीरों को नहीं छोड़ते, हम अपने असातिज़ा को नहीं छोड़ते। हद तो ये है जिस इमाम के पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उसकी गीबत हम चौराहे पर बैठ कर करते हैं। अगर कोई मौलाना जलसा कर ले उसकी बुराई अगर होटल पे बैठ कर करो तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लेकिन ऐ मुसलमानों अपने वलमा की बुराई से बचो। कसम खुदा की ये इतनी बदतरीन चीज है, आप तारीख तो पढ़ते नहीं, पिछले उम्मतों के अहवाल आप पढ़ो, इसी जमीन पर उस कौम को नष्ट और नाबूद कर दिया गया जिस कौम के लोगों ने अपने वलमा की बुराइयां की है, अपने अइमा की बुराइयां की है, अपने असलाफ की बुराइयां की है, अपने मशायख की बुराइयां की है। अमाल धरे के धरे रह जाएंगे अगर तुम इन वलमा की बुराई करो। ये वलमा कोई मामूली चीज नहीं, जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो आप उनके वारिसीन हैं। ये जैसे नबी के आल की ताज़ीम उम्मत पे फर्ज करा दी गई है वैसे ही वलमा की ताज़ीम हम पर लाजिम और जरूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो दुनिया में वलमा के साथ बैठेगा जन्नत में उसी आलिम के साथ उसे बिठाया जाएगा। तो लिहाजा मुसलमानों अगर कोई बेहतर काम करे, कोई अच्छा काम करे तो उसकी अगर अच्छाई ना बयान करो तो उसकी बुराई भी मत करो। और लाइक मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने आज की महफिल अच्छे तरीके से सजाया है, उसमें नाम है शफीक अहमद, मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद हाशमी साहब, अफरोज आलम चौधरी साहब और मौलाना रफीक अहमद फैजी और पूरी कमेटी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला इन सब को सलामत रखे, इनकी नस्लों को आबाद रखे और इन सब को उम्र दराज अता फरमाए और जमीनी व आसमानी तमाम बलिया से महफूज़ मामून रखे। वाखिर दुआ अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।